प्रेज लॉर्ड दोस्तों, मैं रुफ जॉनसन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपोलोजेटिक्स के बारे में। अपोलोजिस्ट वो होते हैं जो क्रिश्चियन फेथ को या किसी भी फेथ को, उस धर्म को, उसको डिफेंड करते हैं। तो आज इंडिया के और वर्ल्ड के कई सारे अपोलोजेटिक स्पीकर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। और हाँ, ये मेरे पर्सनल फेवरेट स्पीकर्स हैं। अगर मैं किसी को मिस कर जाता हूँ तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उन पर भी वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों, जिस हिसाब से आज वर्ल्ड जा रहा है, मुझे लगता है अपोलोजेटिक्स लोगों की बहुत ज़रूरत है इंडिया में और साथ ही पूरे वर्ल्ड में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। तो जो 10th नंबर पे हमारे पास आता है वो है साक्षी अपोलोजेटिक्स नेटवर्क, जो कि इंडिया का ही एक अपोलोजेटिक चैनल है, जो कि बहुत ही बढ़िया चैनल है। मैं चाहूँगा कि आप उस चीज़ को देखें। और 9th नंबर पे आता है ली स्ट्रॉबल, जो कि अमेरिकन अपोलोजेटिक्स हैं। इन्होंने 2 किताब भी लिखी है और ये भी क्रिश्चियन फेथ को बहुत ही अच्छे और बाकायदा तरीके से क्रिश्चियन फेथ को डिफेंड करते हैं। अब हम बात करेंगे 8वें नंबर पे, जो कि है डॉक्टर फ्रैंक ट्यूरिक। ये अमेरिकन अपोलोजेटिक्स हैं और ये एथिज्म के ऊपर किए जाने वाले क्वेश्चंस और नास्तिकों के क्वेश्चंस को ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं। इंडिया के ही 7वें नंबर पे आते हैं द वर्ड इन क्रिश्चियन, जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ साथ डिफेंड करते हुए हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी को आंसर देते हैं। 6वें नंबर पर फ्रांसिस सिल्वाई, जो कि ग्लोरी अपोलोजेटिक्स चैनल के जो हेड हैं, जो मेन हैं, फाउंडर हैं वो, और वो हमारे इंडियन एक अच्छे अपोलोजेटिक स्पीकर। और 5वें नंबर पर आते हैं लेट ब्रदर नाबिल कुरैशी, जो कि बहुत ही अच्छे स्पीकर थे और अब उनकी डेथ हो चुकी है, और ये मुस्लिम फेथ को आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से करते थे। अब आगे बढ़ते हैं, 4th नंबर पे आता है केंट होवेंट, जो कि अमेरिकन ही हैं और ये भी साइंस को बहुत ही अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और इनके आंसर सुनने लायक होते हैं। 3rd नंबर पे डेविड वुड, जी हाँ, और ये एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर भी हैं और जितने मैं बता रहा हूँ वो सभी यूट्यूबर हैं, और ये मुस्लिम फेथ को बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इन्हें सुनें। 2nd है विलियम लेन क्रैग। विलियम लेन क्रैग एक गॉड के एग्जिस्टेंस पे और क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन को लेकर आंसर करते हैं, और ये भी बहुत ही अच्छे वेल नोन अपोलोजिस्ट हैं। 1st नंबर पे ऑल टाइम फेवरेट डॉक्टर रवि जकरिया जी, ये भी बहुत ही अच्छे वेल नोन अपोलोजिस्ट हैं, जो कि इंडिया की हैं और इन्होंने भी बहुत ही अच्छी तरीके से क्रिश्चियन फेथ को डिफेंड करते आए हैं और मुझे ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।